टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेट्स इन द लाइफ एंड कैरियर ऑफ सरोजनी नायडू. सी वॉज बॉर्न February 13, 1879 इन हैदराबाद. जैसे पहले ही बता चुके हैं आपको कि इनका जन्म जो है 1879 में हैदराबाद में हुआ था. द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ वरद सुंदरी. वरद सुंदरी इनकी माँ थी एंड प्रोफेसर अघोर नाथ चट्टोपाध्याय ये इनके पिताजी थे. ही वॉज प्रोफेसर एट निज़ाम कॉलेज और ये निज़ाम कॉलेज में प्रोफेसर थे. और माता जो इनकी वरद सुंदरी थी सी वॉज ऑल्सो अ पोइटिस है ना, तो अच्छी कवित्री भी थी और टू मच इंटेलिजेंट लेडी. और इसका प्रभाव पड़ा कि जो है सरोजनी नायडू जैसी बच्ची उनके हुई. फादर अघोरनाथ वॉज प्रोफेसर एट निज़ाम है ना. सी इज ऑल्सो नोन एज अ हु सरोजनी नायडू इज़ नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंदुस्तान, कोकिला ऑफ इंडिया, केम ऑफ अ वेरी टैलेंटेड कल्चर्ड एंड अकॉम्प्लिश्ड बंगाली फैमिली. और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस फैमिली में, बंगाली फैमिली में. और इधर देखिए 1890 हर पोइट्री कैरियर बिगेन एब्रप्टली राइटिंग अ पोएम वाइल डूइंग अलजेब्रा एट 11 ईयर ऑफ एज. सेंट टू मद्रास आफ्टर स्टडिंग एट होम टार्ड बाई गवर्नेस टू प्रिपेयर फॉर द मद्रास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. सी वॉज टू मच इंटेलिजेंट बाई हर फीचर्स. सी वॉज स्टडियस स्टूडेंट. ड्यूरिंग हर स्टडीज एट द एज ऑफ 12 जब वो 12 साल की थी सी टॉप्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में उन्होंने पास किया, टॉप किया. और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ द 13 सी प्रेजेंटेड अ पोएम ऑफ हर 14 बर्थडे. जब 14 साल की थी 14वें जन्मदिन पर इन्होंने अपनी पोएम जो है प्रेजेंट की. पोएम की बिगनिंग यही सी कि माय जॉयज आर नॉट व्हाट जॉयज टू चाइल्डहुड सीम. इस तरह इनका जो है करियर आगे बढ़ा. 1891 में जो है अभी बताए ही इन्होंने टॉप किया. और उसके बाद जो है 1892 कंपोज्ड मेहर म्यूनियर अ पोएम इन 3 कैंटोज. और ये बेटा उनकी जो है पहली पोएम थी है ना. कहने का मतलब इन प्लेस ऑफ सॉल्विंग द सम 11 ईयर चाइल्ड कंपोज्ड अ पोएम इन 1819. यानी कि जब सवाल यानी कि हल करने का उम्र थी उस समय उम्र में उन्होंने क्या किया, पोएम कंपोज कर दी 1890 में. और मेहर म्यूनियर इनकी जो फर्स्ट पोएम थी 3 कैंटोज में आई और ये पब्लिश हुई 1893 में. और जो है इसको जो है एक विशेष फीचर इसका ये थे कि इट वॉज प्रेजेंटेड बाई अ ब्राह्मण गर्ल. सी गॉट स्कॉलरशिप फॉर दिस बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. और इसको एक ब्राह्मण गर्ल के द्वारा उसे प्रेजेंट कराया गया और उसके लिए इन्हें निज़ाम कॉलेज हैदराबाद से स्कॉलरशिप भी मिली है ना. और इससे इनको बहुत एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ किसके लिए, इंग्लैंड में टूर जाने के लिए 1890 में. और जो है आगे बढ़ा फिर ने इन 1894 फेल इन लव विद डॉक्टर गोविंद राजुल नायडू. और जो है इनकी से उनके जो है संबंध आगे बढ़े. और 1895 रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ 300 पर एनम्स प्लस पैसेज टू इंग्लैंड फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. अभी बताया ना कि जो है जब इनको स्कॉलरशिप मिली फिर उसके बाद जो है इनके एक्सपीरियंस बढ़े और जो है ये अपनी इंग्लैंड की यात्रा के बारे में सोचने लगी है ना, इंग्लैंड इन 1819. और उसके बाद जो इनकी जो सेकेंड बुक थी दैट वॉज विद द टाइटल सॉन्ग बाई चट्टोपाध्याय. कम टू द नेक्स्ट. लिफ्ट फॉर इंग्लैंड इन अप्रैल एडमिटेड टू किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गई अपनी जो है हायर एजुकेशन गेट करने के लिए. मेट सर एडमंड घोष एन इमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक. एडमंड घोष वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हर. यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी गाइडेंस प्रदान किया एडमंड घोष ने है ना. और जब इसके प्रभाव में आई तब इन्होंने सी कम टू नो अबाउट द रियलिटी दैट ही शुड इमिटेट नॉट द इंग्लिश राइटर्स है ना. इन्होंने इस तरह एडवाइस किया कि तुम्हें जो है इंग्लिश राइटर को जो है बल्कि अपनी इंडियन कल्चर के बारे में लिखना चाहिए. और उसके बाद इन्होंने सी हैज़ गिवन द गोल्डन थ्रेशोल्ड ठीक है विच सी डेडिकेटेड टू एडमंड घोष. और गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है इन्होंने लिखा और वो किसे डेडिकेट किया, एडमंड घोष को. और इसके लिए इनको केसरी हिंद गोल्ड मेडल जो है प्रदान किया गया था. आर्थर सेमन पोइट अ लिटरेरी क्रिटिक मेट द
members of the Rhymers Club. Rhymers Club, it was founded by W. B. Yeats. इसको W. B. Yeats इसने found किया था 1819 में और इसकी जो है ये member बन गई. और उसके बाद जो है songs by यस चट्टोपाध्याय published privately in India by her father in October. In 1898 return to India. India ये वापस चली आई और married to Dr. Naidu in मद्रास. और मद्रास में जो है उनसे मैरिज कर ली और इनके तीन बच्चे, चार बच्चे हुए. पहला बच्चा जो है 1901 में हुआ, एल्डेस्ट सन जिसका नाम था जयसूर्या. और जयसूर्या द एल्डेस्ट सन हु बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कुछ समय बाद पार्लियामेंट के मेंबर बने वो. और उसके बाद जो है पद्मा जी वॉज द डॉटर. इन 1902 हर डॉटर पद्मा जी वॉज बॉर्न, पद्मजा वॉज बॉर्न. और पद्मजा जो है डॉटर जो इनकी थी वो रिजेंबल्स टू हर मदर्स इन फेस. वो एकदम अपनी माँ की ही तरह थे, वॉइस भी एकदम वैसी थी. और लेटर ऑन गवर्नर ऑफ बंगाल और उस कुछ समय बाद बंगाल की जो है गवर्नर बनी. और उसके बाद जो है दूसरा बच्चा इनका हुआ 1903 में, सन था जिसका नाम रणधीर था, उसका जन्म हुआ. और रणधीर भी डाइड हो गया, डाइड प्रीमैच्योरली, यानी कि जब मैच्योर हुआ उसके पहले उसकी डेथ हो गई. और सबसे लास्ट का 1904 में इनकी दूसरी डॉटर हुई जिसका नाम था लीला मणि. ये इनके चार बच्चे थे. इन्होंने अपने बच्चों को जो है एक पोएम डेडिकेट की है, अपने बच्चों को रिमेम्बर किया जिस पोएम में, उसका नाम है टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ. है ना, हर चिल्ड्रन आर रिमेम्बर्ड इन टू और फोर वॉल्यूम्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्स टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ. और फिर आगे बढ़िए, देखिए 1905 द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड बाई हाइनमन. अभी बताए कि जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड किसे डेडिकेट की गई थी, एडमंड गोस को, हु प्रोवाइड एडवाइस टू हिम. जो उन्होंने उनको एडवाइस दिया, क्या कि एडवाइस दिया कि जो है यू शुड नॉट इमिटेट टू द इंग्लिश राइटर. And advises her to give up her imitative English vein, है ना, to seek inspiration from India, not from England, है ना. बोले कि इंडिया से इंस्पिरेशन लीजिए, इंग्लैंड से नहीं. She immediately acted on Sir Goss's judicious advice and began to write about India. First book बताई ही अभी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड थी जिसे इन्होंने डेडिकेट किया एडमंड गोस को, और उसके लिए इनको केसरी हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. आगे देखिए 1908 में जो है वॉज अवॉर्डेड द केसरी हिंदी, अभी बताई ही. नेक्स्ट 1912 द बर्ड ऑफ टाइम पब्लिश्ड बाय हाइनमन, लंदन के द्वारा दूसरी बुक इनकी पब्लिश्ड की गई. 1915 में हर फादर प्रोफेसर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एंड गोपाल कृष्ण गोखले डाइड. और इन्होंने अपने पिता को भी एक जो है बुक डेडिकेट की है उनके डेथ के बाद. और बुक का नाम ये है इन सैल्यूटेशन टू माय फादर्स स्पिरिट, यानी कि अपने पिता को इस तरह एक सोनेट लिखकर जो है उनको डेडिकेट किया है आफ्टर दैट एज ए ह्यूमस. नेक्स्ट 1915 में डेथ ही हो गई इनके पिताजी की. और उसके बाद 1916 हर मदर श्रीमती वरदा सुंदरी डाइड, माता का भी देहांत हो गया. सी वॉज अ ग्रेट लेडी एंड पोइटिश ऑल्सो. इन 1917 द ब्रोकन विंग्स पब्लिश्ड बाई हाइनमन, लंदन. ब्रोकन विंग्स इनकी अनदर पोएम आई. इन 1919 रिटर्न टू केसरी हिंद मेडल, और 1919 में उन्होंने केसरी हिंद मेडल को वापस कर दिया. वापस करने के साथ साथ ही ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियावाला इन जुलाई 1919. और इससे ज़्यादा बहुत प्रभावित हुई थी और महात्मा गांधी से. सी वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द महात्मा गांधी एंड सी हैज प्रेजेंट अ पोएम इन द फॉर्म्स ऑफ द सोनेट फॉर महात्मा गांधी. द नेम ऑफ द सोनेट इज टू लोटस ऑन द मार्वेलस पर्सनालिटी ऑफ द महात्मा. और सी वॉज टू मच सोक्ड एट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी एंड एक्सप्रेस हर ओन ग्रीफ एट द फ्यूनरल स्पीच. वेन सी एक्सप्रेस माई फादर डू नॉट रेस्ट, डू नॉट अलाउ अस रेस्ट, कीप अस टू आर प्लेस. इस तरह कुछ शब्द इन्होंने बोले थे महात्मा गांधी के लिए उनकी फ्यूनरल स्पीच में.
ऑन हिज फ्यूनरल स्पीच. कम टू द नेक्स्ट. 1925 बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो की जो है ये क्या बनी, प्रेसिडेंट बनी. सी सक्सेडेड महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को फॉलो किया. सत्याग्रह आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया. एंड सी वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द नॉन वायोलेंस एंड ट्रूथ ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हर. आई मीन टू से सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑक्यूपाई हिज हाई ऑफिस. इन 1945 हर यंगस्ट सन रणधीरा डाइड इन मई. अभी बताया कि वो मैच्योर होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी, आगे बता चुके हैं आपको. 1947 इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त. 15 अगस्त 1947 को अपना जो है भारत आज़ादी हो गया. और 1945 में क्या हुआ, सी प्रिसाइडेड ओवर द सिल्वर जुबली कन्वोकेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी इन जनवरी. और सी डिमाइज्ड हुए और कब उनकी मृत्यु हुई, डेट है ना एट 3:30 पे. डेट क्या थी, 2 मार्च थी. और कुछ एडिशनल जानकारी के लिए, एट हर डेथ देयर वर मैनी पीपल हु एक्सप्रेस देयर ग्रीफ दैट दे हैव लॉस्ट अ ग्रेट स्पिरिट फ्रॉम इंडिया. वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट ऑन हर डेथ नेशन पेड अ फीलिंग होमेज अ फिटिंग होमेज टू हर. बीजी खेर उस समय चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे के, उन्होंने कहा इनकी मृत्यु पर सरोजनी वाज अ डिवोटेड वाइफ, लविंग मदर, पाइट, ओरेटर, एम्बेसडर, गवर्नर, गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज टू मच सॉल्ट एट हर डेथ एंड ही एक्सप्रेस हिज ओन ग्रीफ इन दीज वर्ड्स एंड नाउ द डियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ देम गोन. बोले कि हम लोगों के बीच से प्रिय और ज़्यादा प्रतिभाशाली जो व्यक्ति था अब चला गया है ना. आई फील डेजोलेट एट हार्ट ऑफ हार्ट एंड विडोविड इन स्पीच. इस तरह के कुछ शब्द जो है उनकी डेथ पर जो है व्यक्त किए गए.